कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भी नियमों और बंदिशों के साथ ही गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दी गई है। 10 सितंबर से शुरू हो रहे 10 दिन के उत्सव के लिए रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गणेश उत्सव पर प्रशासन ने शर्त रखी है कि उत्सव में अगर कोई संक्रमित मिलता है तो उसके इलाज में खर्च की जिम्मेदारी आयोजक की होगी। कंटेनमेंट जोन में प्रतिमा स्थापित करने की मनाही होगी। क्षेत्र बाद में भी कंटेनमेंट घोषित कर दिया जाता है तो पूजा तत्काल समाप्त करनी होगी। दर्शन के लिए कोई भी बिना मास्क लगाए नहीं जाएगा और इन शर्तों के साथ घर में मूर्ति स्थापित करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। अगर घर के बाहर मूर्ति स्थापित करनी है तो कम से कम 7 दिन पहले नगर निगम के जोन कार्यालय में लिखित आवेदन कर अनुमति लेनी होगी। उत्सव के दौरान 4 फीट से ऊंची मूर्ति, 15 फीट से बड़ा पंडाल बनाने पर रोक है। वहीं पंडाल में एक बार में 20 से ज्यादा लोग नहीं उपस्थित हो सकते।